ज्ञानी हो, क्या हाल है आपके? शादी ब्याह में शामिल होना हम सभी को पसंद है। यह एक ऐसा अवसर होता है जहाँ पर सभी परिवार के सदस्य एकत्रित होते हैं। जश्न के इस माहौल में अनजाने भी अपने बन जाते हैं। शादी ब्याह के इस माहौल में खाने पीने की भरपूर छूट होती है। वर और वधू दोनों पक्ष के लोग इस अवसर का भरपूर फायदा उठाते हैं और जमकर मस्ती करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर धर्म व समुदाय में शादी के लेकर अलग अलग रस्मों व रिवाजों होते हैं। अगर बात हिंदू धर्म की करें तो इसमें भी कई रस्म और रिवाज है जिनका पालन सदियों से होता आ रहा है। हर रिवाज के पीछे कोई न कोई तर्क अवश्य होता है। एक ऐसे ही रिवाज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने जाना हो। क्या आपने कभी इस बात पर गौर फरमाया है कि शादी में दूल्हा अक्सर घोड़ी कर कर ही क्यों आता है? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके बारे में मैं आज आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। बोनस पॉइंट भी है वीडियो में, थोड़ा इंतजार करो और वीडियो को अंत तक जरूर देखो। तो चलिए कान के पर्दे खोलते हैं और शुरू करते हैं आज का ज्ञान बिना किसी के झापट चुकाए। दूल्हे का घोड़ी पर चढ़कर आना, इसके बारे में 3 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें से पहला है कि पौराणिक काल में राजा महाराजा व शासकों द्वारा घोड़े पर सवार होकर ही रणभूमि में शत्रुओं का सामना करना पड़ता था। घोड़े को शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। शायद यही वजह है कि अपने जीवन की नई शुरुआत करने से पहले दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि घोड़े को उत्पत्ति का कारक माना जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार जब सूर्य देव की 4 संतान यम यमी लक्ष्मी और शनि देव का जन्म हुआ, उस दौरान सूर्य देव की पत्नी रूपा ने घोड़ी का ही रूप धारण कर रखा था। और तीसरे पॉइंट में यह तर्क दिया जाता है कि प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अपने विवाह वाले दिन ही घोड़े पर सवार होकर आए थे। एक मान्यता के अनुसार दूल्हे का घोड़ी पर चढ़कर आना इस बात का प्रतीक है कि घोड़ी की बागडोर संभालने वाला पुरुष अपने परिवार और पत्नी की बागडोर भी अच्छे से संभाल सकता है। घोड़ी को बुद्धिमान चतुर और दक्ष माना जाता है, उसे एक योग्य व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। घोड़े पर सवार होकर आने वाले दूल्हे को योग्य और बलशाली माना जाता है। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से हिंदू धर्म में दूल्हे घोड़ी पर चढ़कर आते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अब बारी है आज के बोनस पॉइंट की। आप मुझे ये बताओ कि अमेरिका और रशिया के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा? देखो, जैसा कि मैप में दिख रहा होगा कि लेफ्ट वाला अमेरिका है और राइट वाला रशिया है। अब आप ये बताइए कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, जरा सोचिए। अब आप में से हर कोई शायद यही सोच रहा होगा कि इनके बीच में तो हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, मगर रुकिए, ऐसा नहीं है। इन दोनों कंट्रियों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 3.8 किलोमीटर है, मतलब कि 4 किलोमीटर से भी कम। अगर यकीन नहीं तो देखिए, ये है अमेरिका और रशिया की मिनिमम डिस्टेंस वाली फोटो। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं तो चलते हैं गूगल बाबा से पूछने के लिए। गूगल जी, अब बोल, अमेरिका और रशिया के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है? रुक जा, देख के बताता हूँ। चार किलोमीटर से भी कम, क्या उखाड़ना है? कुछ नहीं, तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो देखा, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो ज्ञानियों, आज का आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ?
और यह हीरा सब प्रथम किसके पास था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही दो। ज्ञानियों, आप सब लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो यार, लाइक करो। मैंने अपनी पहली वॉइस ओवर वीडियो पे 10 लाइक का टारगेट रखा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, अगर आपने मेरी फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके देख लीजिए, या ऊपर यहाँ आई बटन पे आ रहा होगा, यहाँ पे आप मेरी फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो पर भी मैं 10 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो यार छोटा सा टारगेट है, जल्दी से पूरा कर दो ताकि मैं खुशी से नाचने लगूं। और अगर आप नए ज्ञानी हो तो इसी तरह कॉमेडी वे में ज्ञान पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो जो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है उसे जादू की शक्ति दे दो और घंटा दबाकर ज्ञान हंत में प्रवेश ले लो, कोई एंट्री फीस नहीं। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।